आज मैं बना रही हूँ 5 तरह के पल्सेस को मिक्स करके एक ग्रेवी। हेल्दी और डिलीशियस तो है ही, इसे बनाना भी काफी आसान है और पूरा प्रोसेस कुकर में करेंगे, जिसे बनने में सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगेगा। और इसकी ग्रेवी की एक खास बात है, इसे बनाएंगे बिना लहसुन प्याज के। पहले इसकी ग्रेवी के लिए मसाले रेडी कर लेती हूँ। तो इसकी ग्रेवी बनाऊंगी 3 टमाटर, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 हरी मिर्च के साथ। तो तीनों चीजों को अच्छी तरह से पीस लेना है। तो ग्राइंडर में सारी चीजों को काट कर डाल देना है। सूखे मसालों का पाउडर यदि नहीं है तो साथ में पीस सकते हैं इसी टाइम पे। तीनों चीजों का पेस्ट बिल्कुल रेडी है। तो अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, सारा प्रोसेस मैं कुकर में करने वाली हूँ। तो कुकर में डाली हूँ 3 चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल। तेल के गर्म होते ही इसमें ऐड करना है खड़े मसाले। तो 2 तेज पत्ता, 2 ग्रीन इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 4 लौंग, साथ ही 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच ही अजवाइन ऐड कर रही हूँ। इस रेसिपी में पल्सेस को अलग से बॉईल करने की जरूरत नहीं है, साथ में बॉईल भी हो जाएगा और ग्रेवी भी बन जाएगी। तो सारे मसाले जब थोड़ा सा लाल हो जाए, गैस का फ्लेम मीडियम पे रखेंगे। इसी टाइम पे ऐड कर देना है तीनों चीजों की जो पेस्ट बना के रखी थी उसे। कुछ देर के लिए मिक्स करते हुए सभी को भून लेना है ताकि सभी का कच्चापन निकल जाए। बस 2 मिनट के लिए भूनूंगी गैस का फ्लेम मीडियम पे रखकर। इसकी भुनाई और भी होगी, लेकिन साथ में सूखे मसाले भी ऐड कर देती हूँ। तो 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर ऐड करूंगी। अब मसालों की भुनाई शुरू करनी है और तब तक भूनना है जब तक मसाले अच्छे से भून ना जाए, इसमें से अच्छी सी खुशबू आनी शुरू ना हो जाए। मुझे मसालों का कलर फीका लग रहा है तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिल्ली पाउडर, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। ये तीखा नहीं होता, सिर्फ कलर के लिए ऐड कर रही हूँ, क्योंकि तीखा के लिए ऑलरेडी मैं हरी मिर्च का इस्तेमाल की हूँ। यदि आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं इसे। गैस का फ्लेम मीडियम पे रखेंगे और लगातार चलाते हुए इसकी भुनाई करेंगे ताकि मसाले जले नहीं। भुनाई कंप्लीट हो चुकी है, अब इसे कवर करके थोड़ी देर कुक कर लेंगे। इस टाइम पे गैस का फ्लेम लो पे कर देंगे, वरना मसाला जल सकता है। 2 से 3 मिनट का टाइम हो चुका है। कवर हटाकर चेक की तो मसाले से ऑयल सेपरेट हो चुका है। मसालों से बहुत ही अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। मसालों को एक बार मिक्स कर लेना है और मिक्स करते ही अब इसमें ऐड कर दूंगी मिक्स पल्सेस। रात भर पानी में सोक करके रखी थी, ये अच्छे से फूल चुका है तो इसे ऐड कर देना है। मसालों का कलर देखिए, बहुत ही अच्छा आया है, बहुत ही अच्छा मसाला बनकर रेडी हुआ है। तो इसमें 5 तरह की पल्सेस है, जिसमें सफेद मटर, हरी मटर, हरा चना, लाल चना और बजरी भी है। बजरी को आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी कप से मेजर करके 1 कप मैं पल्सेस को सोक करने के लिए डाली थी 1 कप, और इसे डबल मैं पानी ऐड कर रही हूँ। ग्रेवी कितना चाहिए उसके हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। इसी टाइम पे स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देना है। 1 चम्मच कसूरी मेथी को भी ऐड कर रही हूँ, तो हाथों से इस तरह क्रश करके डालेंगे। एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और कसूरी मेथी अच्छे से पानी में घुल जाए। उसके बाद कवर करके इसे कुक कर लेंगे। कवर लगा के विशल लगा दें और 1 सीटी आने तक गैस का फ्लेम मीडियम में रखना है। वन विशल के बाद गैस का फ्लेम लो पे रखना है और 2 मिनट तक कुक कर लेना है। 2 मिनट के बाद गैस का फ्लेम बंद कर देना है और ढक्कन तुरंत नहीं खोलना है, जब तक कुकर ठंडा ना हो जाए, कुकर से सारा प्रेशर बाहर ना निकल जाए। सारा प्रेशर निकल जाने के बाद ही मैं ढक्कन हटाई हूँ और इसे चेक कर लेती हूँ ये अच्छे से पका है कि नहीं। तो चने को और मटर को दोनों को ही प्रेस करके दिखा रही हूँ, ये सॉफ्ट हो चुका है, ये पक चुका है। अभी ग्रेवी पतली लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होगा ग्रेवी गाढ़ा होता जाएगा। यदि ग्रेवी और बढ़ानी है तो ऊपर से पानी डाल सकते हैं और गर्म कर लें, बॉईल कर लें। तो अब डाल देंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। हरे मिर्चे के स्लाइसेस डालूंगी इसमें लंबे लंबे काट कर,
और साथ ही अदरक के लच्छे भी ऐड करूंगी। फ्रेश हरे धनिए के बिना तो बात ही नहीं बनेगी, तो कुछ कटे हुए हरे धनिए के पत्ते ऐड करूंगी। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और ये फिर रेडी हो गया। इसे राइस या चपाती के साथ खाएं, काफी टेस्टी लगती है। व्रत के अगले सुबह इसे खाएं, काफी एनर्जी मिलेगी। गैस का फ्लेम करेंगे बंद और इसे सर्व कर लेते हैं। मेरी रेसिपी यदि आप सभी को अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। मेरे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।